ख़वातीन और हज़रात, जिस गाड़ी का रिव्यू आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ इसका नाम है किया स्पोर्टेज। दुनिया के अंदर इस टाइम आप किसी भी कंट्री के अंदर चले जाना तो हर बंदे की जो डिमांड है ना, जो वो ख़रीदना चाह रहे हैं, हर बंदा इस टाइम SUV के ऊपर जा रहा है कि SUV लेनी है। जो दूसरी कार्स हैं, सेडान कार्स हैं, उनका इस टाइम बहुत बुरा चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी होंडा सिविक और करोला की जो मार्केट है थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि काफ़ी सारी किया की आ गई है, इसके बाद टुस्कान आई हुई है, हुंडई आई हुई है। बात करें इसकी लुक की, क्या स्पोर्टेज की, तो इसकी कॉपी की है, मुझे लगता है पोर्शे की कॉपी की हुई है, लेकिन एक खूबसूरत कॉपी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है, देखने में आउटलुक कमाल की है। बात करें इसके अलॉय व्हील्स की, तो 18 इंच के इसके अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं, बहुत प्यारे हैं, ऑल व्हील ड्राइव के अंदर। हेडलाइट्स की बात करें तो LED हेडलाइट्स दी गई हैं और कमाल की हेडलाइट्स हैं, आप देखें तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। इंटीरियर की बात करें तो इतना ख़ास इंटीरियर नहीं है, कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन होंडा सिविक और करोला से 1000 दर्जे बेहतर है, लेकिन इतना इम्प्रेसिव नहीं जितना टुस्कान और होंडाई का है। डिजिटल मीटर दिया हुआ है, डिजिटल मीटर भी थोड़ा सिंपल सा ही है, इतना ख़ास नहीं, पर इससे खूबसूरत लगता है। इसकी जो ख़ास बात है, इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ दिया हुआ है, जो कि मुझे कमाल लगता है और मुझे खूबसूरत लगता है। इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है ना खूबसूरत, यही इस गाड़ी के अंदर है, पैनोरामिक सनरूफ। बूट की बात करें तो जनाब 439 लीटर से लेकर 459 लीटर तक इसकी बूट है, जो काफ़ी स्पेस है।